रुपयों के लेन देन के विवाद में युवक का गुप्तांग काटा, जंगल में फेंक कर हुए फरार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात हुई है उसकी जानकारी दे रहे हैं इस खबर के जरिए। उत्तर प्रदेश बागपत जिले में ईदगाह मैदान परिसर है, शहर कोतवाली परिसर में यह आता है पूरा। यहाँ पर समीर नाम का एक युवक है जिसका परवेज नामी युवक से 1,00,000 रुपए का कुछ लेन देन था और उसी को लेकर के विवाद था। 3 दिसंबर को दो लोग समीर के पास आते हैं और परवेज का पैसा तू क्यों नहीं दे रहा है ऐसा उसे कहकर उससे विवाद करते हैं। उसके बाद जबरन समीर को ये लोग जंगल ले जाते हैं और वहाँ पर जो है मारपीट कर बाद में उसका गुप्तांग भी काट देते हैं और वैसा ही उसे जंगल में डाल करके फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है किस तरीके से पूरा मामला हुआ। भुक्तभोगी समीर का इसमें क्या कहना है पीड़ित का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से पूरा माहौल था वो पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। सर, मेरा दोस्त था परवेज, उसने पैसे लिए थे, उसके टाइम पे भेज लगा तो उसने सर दो लड़के भेजे, उन्होंने परवेज का नाम लिया और मुझे चाड़ी में लगे बंदूक लगा लगा दी और मेरा दिन काट दिया सर। मारपीट भी की? मारपीट करने का तो मौका नहीं मिला सर कुछ। आपकी शादी कब है? सर मेरी 6 तारीख की शादी, 6 दिसंबर की सर। कहाँ रहते हो जी? कहाँ रहने वाले हो जी? बात पक्का है।